दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया था जी। कि ये मैटर में मैंने अब एंड की तरफ कर दिया है और बच्चे ले लिए जाएंगे और सीमा हैदर को कैंसलेशन ऑफ बेल होकर के ये जेल में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि मोमिन मलिक साहब की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो आई है और आप सब से रिक्वेस्ट करके मोमिन मलिक साहब ने बहुत ही अहम बात की है। और सीमा हैदर केस के सिलसिले से अभी तक क्या अपडेट है वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई है। तो वो सब क्या बातें हैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने इस वीडियो में आप सब से रिक्वेस्ट करके क्या क्या बातें कही। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम जी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, आपका परिवार और आप सभी लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे जी, और आज संडे का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे भारत के लोग, मेरे भारत के यूट्यूबर्स, हमारे पड़ोसी मुल्क के यूट्यूबर्स और दुनिया के वो तमाम लोग जो इंसानियत को मानते हैं और समझते हैं और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मेरे पास वीडियो भी भेजी जा रही है और खुद भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो माँ बहन बेटियों की गालियाँ बुरी तरीके से निकाल रहे हैं और वो केवल भारत के यूट्यूबर्स उसमें शामिल नहीं है बल्कि उसमें पाकिस्तान के भी कुछ यूट्यूबर्स शामिल हैं और भारत के भी यूट्यूबर्स शामिल हैं। एक पक्ष गालियाँ देता है तो दूसरा पक्ष उससे डबल गालियाँ उसके जवाब में देता है और जब वो डबल गालियां देता है तो उससे ट्रिपल गालियां जो है वो दूसरे यूट्यूबर्स दे रहे हैं जी। देखिए इससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, चाहे हम भारत के हैं, चाहे आप पाकिस्तान के हैं, दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, कभी भी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। माँ बहन बेटियां हम सभी के हैं बिल्कुल, और हम सभी को उनका मान और सम्मान करना चाहिए। जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वो अपने तर्क और वितर्क रख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज रख सकते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ, एक मर्यादा के साथ। चाहे हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनको भी राइट और अधिकार है कि वो अगर कोई बात पे अपनी राय रखना चाहे, बेशक हमारा विरोध करे, नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गालियों का प्रयोग, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग, वो हम सबको शोभा नहीं देता, चाहे वो हमारे समर्थक हैं चाहे हमारे खिलाफ लोग हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो ये सोशल मीडिया पर गंद फैल गया है, एक होड़ सी लग गई है, इधर से वो गालियां दे रहा है, अगले दिन वो गालियां दे रहा है। देखिए बहन बेटी, माँ बीवी, ये हम सबके परिवार का एक अनमोल हिस्सा है और ये मुद्दा मियां बीबी का मुद्दा है। गुलाम हैदर और सीमा हैदर जो है वो कानूनी रूप से मियां बीबी हैं, हो सकता है कल को इनके बीच में कोई पैचअप हो जाए, हो सकता है कोई कानून का कोई ऐसा आदेश आ जाए कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मैटर में मैंने अब एंड की तरफ कर दिया है और इसमें अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये अपने समाप्ति की ओर, एंड की तरफ ये केस आ गया है और जल्दी ये एंड हो जाएगा। ये केस बच्चे ले लिए जाएंगे और सरकारी सुपरविजन में रहेंगे और सीमा हैदर को कैंसलेशन ऑफ बेल होकर के ये जेल में जाएगी, तो ये मुद्दा खत्म होने वाला है जल्दी। लेकिन सीमा भी पाकिस्तानी है और गुलाम हैदर भी पाकिस्तान का है, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, ये ना हम भारतीयों को शोभा देता है जो गालियाँ दे रहे हैं वो लोग, ना पाकिस्तानियों को शोभा देता है जो लोग गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। तो मेरी दोनों पक्षों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि चाहे हमारे खिलाफ भी हैं कुछ बहनें, कुछ भाई हमारे खिलाफ भी है, उनका जवाब आप तर्क और वितर्क से अच्छी तरह दो, मजबूती से दो, लेकिन गालियों का जवाब गालियों से नहीं, और इस चीज को रोक दो। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इस चीज को रोक दो,
आज फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे माँ बहन बेटियों का सम्मान करना आता है और मैं चाहता हूँ कि देश की माओं का बहनों का बेटियों का सम्मान हो, जो हमारे देश से बाहर माँ बहन बेटियां हैं उनका भी सम्मान हो, उनकी भी शान में या उनके लिए भी कोई गलत शब्द ना बोला जाए, उनकी बेटियों के लिए गलत शब्द ना बोला जाए, कोई गंदे थमले ना लगाए जाए और गंदी भाषा का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग ना किया जाए, चाहे वो हमारी तरफ हमारे सपोर्टर की तरफ से हो चाहे हमारे खिलाफ सपोर्टर की तरफ से हो। तो आप सभी इस चीज का खास ख्याल रखें और जो आज तक हुआ है अब तक हुआ उसे छोड़ दें और इस चीज को आगे ना बढ़ाएं, ये हम सबको शोभा नहीं देता। एक सभ्य समाज के अंदर, एक पढ़े लिखे समाज के अंदर आप पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो और ये मुद्दा अपनी जगह है, जो कानून से हल होगा, आपकी गालियां देने से हल नहीं होगा, आपके दूषित भाषा का प्रयोग करके, अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करके ये मसला हल नहीं होगा। मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कोर्ट के आदेश से हल होगा। ऐसा कर करके आप अपने वकार से ना गिरें, आप अपने स्टेटस से ना गिरें और अपने स्टेटस को बनाए रखें। तो मैंने दोनों ही पक्षों को देखा है, इसमें दोनों ही पक्ष की गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे विरोधियों की गलती है, नहीं, हमारे पक्ष की भी गलती है, हमारे विरोधियों की भी गलती है। तो उस चीज़ को सुधारा जाए, सुधार करके और ये गाली गलौज और ये असभ्य भाषा का प्रयोग तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, और ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि इस चीज़ को फौरन रूप से बंद कर दें, वरना तो फिर मुझे मजबूरन जो है वो कानूनी कदम जो है उठाने पड़ेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप से गुजारिश है कि आप कृपया करके इस चीज़ को बंद कर दें। मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है, एक इस केस का वकील होने के नाते, इस केस का को मैं देख रहा हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी होने के नाते, गुलाम हैदर का ये केस जल्दी सोल्व होने वाला है और ये केस जल्दी सोल्व हो जाएगा। कृपया आप जो है वो मर्यादा को बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गाली का गलौज का प्रयोग एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी ना करें। ऐसा मेरा आपसे मानना है और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे, चाहे वो हमारे समर्थन के लोग हैं चाहे हमारे विरोधी लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे और अपने सम्मान को बरकरार रखेंगे, अपने स्टेटस को बरकरार रखेंगे और अपनी संस्कृति, देखिए हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता, उसको खराब नहीं होने देंगे। और जो लोग कुछ पाकिस्तान के लोग हैं वो भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे। हम दोनों पक्षों के लोग आज से ही गाली गलौज को बिल्कुल त्याग देंगे और अपनी बात रखेंगे, जो तुमने अब तक किया, जो हुआ उस पर मिट्टी डालेंगे और एक अच्छी शुरुआत करके, एक अच्छे पड़ोसी के नाती, एक अच्छे विषय को लेकर के तर्क और वितर्क रखें, अपनी बात रखें, दूसरों की सुने, एक दूसरे के पैनल पे भी आए, क्योंकि जब हम एक दूसरे के पैनल पे जाएंगे, अगले के विचार को नहीं सुनेंगे, उसका जवाब सही तरीके से नहीं देंगे और वो हमारे पैनल पे नहीं आएंगे, उनको उनकी बात सुन के उनको हम जवाब नहीं देंगे, तो ये फर्क बढ़ता चला जाएगा, ये गलतफहमियां बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जो हमारे खिलाफ लोग हैं वो खिलाफत करते रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मर्यादा में रह करके, हम भी मर्यादा में रह करके, हमारे विरोधी भी मर्यादा में रह करके खूब विरोध करें। विरोध करना मना नहीं, विरोध करना आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन सभ्यता के साथ और अच्छे वक्तव्य के साथ, अच्छे तर्क और वितर्क के साथ, अच्छे जवाबों के साथ, अच्छे सवालों के साथ। तो दोस्तों मेरा इतना सा संदेश है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर जो है वो मेरी बात को मानेंगे और इस प्रकार की गाली गलौज का प्रयोग बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं और जो हमारे हक में है वो भी हमारे भाई बहन हैं। ना हम अपने विरोधियों के प्रति गाली सुनना पसंद करेंगे, ना हम अपने समर्थकों के प्रति, माँ बहनों के प्रति गाली सुनना पसंद करेंगे। हाँ, तर्क वितर्क रखो, आर्गुमेंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे और मेरे इस जो वीडियो को देख करके आप मेरी बात को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, उसको उसको जो है ना
किसी प्रकार की कोई आइंदा इस प्रकार की गाली गलौज का प्रयोग दोनों तरफों से नहीं करेंगे। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, अच्छे सभ्य व्यक्ति होने के नाते, पढ़े लिखे समाज के हिस्सा होने के नाते, संस्कृति और अच्छी संस्कृति का हिस्सा होने के नाते, समाज का एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति और बहन होने के नाते आप इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने मोमिन मलिक साहब की इस पूरी वीडियो को देखा। आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।